दोस्तों देखिए, रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया टीम को मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसी मजाक को लेकर रोहित शर्मा जो अपनी हंसी है उसको भी नहीं रोक पाए। आइए जानते क्या कुछ कहा उन्होंने रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया टीम को लेकर। आप सभी लोग को नमस्कार, आप सभी लोग को मेरे चैनल पर स्वागत है, मैं हूं सतीश मिश्रा। देखिए आपको पता है कि रोहित शर्मा शानदार सेंचुरी लगाई पहले टेस्ट में, वही रविचंद्रन अश्विन ने सेकेंड इनिंग में फाइफर लिया। दोनों का आपसी में इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में रविचंद्रन अश्विन ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें रोहित शर्मा भी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि इस समय सोशल मीडिया पर एक बात हो रही है, पिच किलो की बात हो रही है, पिच कैसी है, क्या आप जब बैटिंग कर रहे थे क्या स्पिन गेंद कोई ऐसी गेंद टर्न हुई जिससे स्लिप पॉइंट चली गई, क्या आप कोई कैच छूटा, क्या अपनी भारतीय बल्लेबाज क्यों इतनी सरल लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि दूसरी पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आई तो लगा दूसरी पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। उसी बात को लेकर रोहित शर्मा भी हंस पड़े और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ उस पर, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि केवल पिच के लिए बात हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि पिच लेके बात हो रही है। हमने ड्रेसिंग रूम में भी बात कही थी कि आज मैच को जितना टेस्ट मैच को जितना बॉलिंग और बैट्समैन निर्भर करता है, पिच पे कोई निर्भर नहीं करता है। उन्होंने कहा कि कोई पिच के लेकर सभी लोग बात कर रहे हैं, इन कोई बल्लेबाज की एबिलिटी को लेकर बात नहीं किया जा रहा है कि बल्लेबाज यहां टिक क्यों नहीं पाया, हमने इतना अच्छा स्कोर बनाया, हमने खड़ा रहा, हमने रन भी बनाए, उसी पिच पे खेले और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने कैसे इस तरह की बैटिंग की, उसी लेकर काफी हंसी रोक नहीं पाए रोहित शर्मा। देखिए ओबियस बात है, क्योंकि जिसे 2.5 घंटे के अंदर ही ऑल टीम बुक हो गई ऑस्ट्रेलिया टीम और 92 रन ही बना सकी ऑस्ट्रेलिया, जिसे लग रहा था अब 6 गेंद पे 6 विकेट आउट हो जाएंगे जब जडेजा अश्विन बॉलिंग कर, उसके बाद हमारे फास्ट बॉलर ने भी शानदार बॉलिंग की। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया जो पिचेस को लेकर बवाल मचाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया लेके जब यहां पे धरती उतरी इंडिया के, तो वहां पर ही केवल पिच को लेकर बात हो रही कि स्पिन कितना स्पिन करेगा, कितना टर्निंग होगा, वहां पर अश्विन खेलना काफी मुश्किल होगा, जडेजा काफी खेला मुश्किल होगा, अच्छा पहले खेला काफी मुश्किल होगा, लेकिन ये नहीं पता कि स्पिन तो खेला मुश्किल होगा, हमारे फास्ट बॉलर भी बहुत कमाल करते हैं। वो इसी पिच पर हमारे 10वें और 8वें नंबर के बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी की, अक्षर ने 84 रन बनाया, मोहम्मद सामी 10वें नंबर के बल्लेबाज ने करीब 37 रन बनाए, मोहम्मद सिराज ने काफी साथ दिया, अच्छी खासी गेंद उन्होंने खेली, उसके बाद जडेजा अच्छी बैटिंग की, अश्विन अच्छी बैटिंग की, तो ऐसा क्या हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑर्डर बिखर गया, उतर गया, घुटने टेक दिया स्पिन खिलाफ, ऐसा क्या हुआ, क्या दूसरी पिच बल्लेबाजी कर रहे थे। उसी को लेकर रोहित शर्मा काफी हंसी, उन्होंने कहा सिंपल जो निशाना साधा है, उन्होंने सिंपल तौर पर कहा कि किसी पिच पर ब्लेम करने से अच्छा अपनी एबिलिटी कीजिए, अपने बल्लेबाजी ब्लेम कीजिए कि हमने इतनी खराब बल्लेबाजी क्यों किया, हमारी टेक्निक क्यों अच्छी नहीं है कि हम स्पिन खेल सके। जब हमारी टीम बाहर जाती है, अवे जाती है, तो वहां पे तो बहुत बातें होती है कि हमारे फास्ट बॉलर स्विमिंग कंडीशन स्विंग कंडीशन में हमारे बल्लेबाज फंसते हैं, तो जब विदेश के लोग यहां आते हैं तो उनको भी ये सोचना होगा कि स्पिन में हम क्यों फंसते हैं, उन्हें भी काम करने की जरूरत है। तो इसी को लेकर दोनों आपसी इंटरव्यू का काफी हंसी मजाक भी हुआ और काफी मजाक उड़ाया गया ऑस्ट्रेलिया का। आई होप वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सभी अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, टेक केयर।